الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدنيا حلوة قصيرة وإن الله مستخلفكم فيها فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب الكريم منتبه زور سے اتیار محبت کے ساتھ درود شریف پر لو رہے ہیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد معزز سامعین کرام حاضرین مجلس عزیز دوست اور بزرگوں عزیز نوجوان میرے بھائیوں میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی تمام نبیوں کے سردار آقائے نامدار تاجدار مدینہ
सद गुम्मत के मकी काली कमली वाले सुनहरी जाली वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस आप लोगों के सामने पड़ी है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे बात को सही सही कहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको ध्यान से सुनने की तौफीक बख्शे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह उम्मत का दर्द अता फरमा कर उम्मत तक सही इल्म पहुंचाने के लिए अल्लाह मुझे और आपको सबको आफियत के साथ कबूल फरमा ले। अजीज मेरे भाइयों, दुनिया एक एग्जाम हॉल है। दुनिया में आज तक जितने भी लोग आए जाने के लिए आए, रहने के लिए कोई नहीं आया। दुनिया किसी पर आशिक नहीं होती है, लोग दुनिया पर आशिक हो जाते हैं। आज तक दुनिया ने अच्छे अच्छे लोगों को देखा लेकिन कभी उनके साथ नहीं रही। लेकिन जो दुनिया से मोहब्बत करते थे वो चले गए। मिसाल के तौर पर तुम कहोगे कि मौलाना दुनिया कैसे नहीं गई, उसको समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि आज मैं भी यूं कह रहा हूं, आप भी यूं कहते हैं, कारी साहब ये पेट्रोल पंप मेरा है, ये शोरूम मेरा है, ये 10 माल की अपार्टमेंट मेरा है। बनाने वाला मालिक चला जाता है, वो चीज वहीं के वहीं रह जाती है। हमने और आपने दुनिया से प्यार और मोहब्बत की लेकिन दुनिया ने कभी भी हमसे मोहब्बत नहीं की। दुनिया, कुरान कहता है, एक मच्छर का पर है, मकड़ी का जाला है, एक धोखे की जगह है। यहां किसी को चैन और सुकून बोलो भाई नहीं मिलता। यहां जो नेक आमाल किए होंगे, सबका खैरात किया होगा, लोगों की मदद की होगी, किसी को दो अच्छे बोल बोले होंगे, किसी के सर पर हाथ रखा होगा, किसी को सहारा दिया होगा, हो सकता है अल्लाह को ये नेकी पसंद आ जाए और मौत के बाद की जिंदगी को अल्लाह मेरे लिए और आपके लिए आसान कर दे। लेकिन दुनिया में जो भी आए, यहां तक के फिरौन भी आया, हमान आया, कारून आया, शद्दाद आया, कैसर और किसरा के बादशाह आए, यहां तक के इस वक्त मौजूद के फिरौन भी आए, लेकिन बोलो भाई अल्लाह ने सबको मिट्टी चाटते कर दिया, जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे, जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे, मिटे नामों के निशान कैसे कैसे। अच्छे अच्छे लोगों के नाम बोलते थे ना, जब वो सूरत के अंदर आते थे तो हटो पचो की पुकार होती थी, आगे पीछे गाड़ियां घूमती थी पुलिस की और एक शोर शबाबा होता था। लेकिन जब मौत का झटका आया तमाम चीजें खत्म। दुनिया से मैंने और आपने मोहब्बत की लेकिन दुनिया ने कभी मुझसे और आपसे कभी मोहब्बत, ये पॉइंट याद रखना, कभी नहीं की। इसलिए दुनिया में रहकर, दुनिया कमाना है, हलाल रोजी कमाना है, उसके साथ साथ अल्लाह और नबी को भी वो लोग राजी करना है, अल्लाह के एक एक हुक्म को पूरा करना है। तो दुनिया में रहने की मजा भी कुछ और,
और मरने के बाद की मजा भी कुछ और। दुनिया में अल्लाह की मान कर जो जिंदगी मैंने और आपने गुजारी, हम मौत को तमन्ना करेंगे कि ये फानी दुनिया कब चली जाए और मैं अल्लाह की मुलाकात को चला जाऊं। इसलिए अरबी में एक मकोला है, الموت جسد يوصل الحبيب الى الحبيب, कि मौत तो अल्लाह से मुलाकात का एक जरिया है। लोग मौत से डरते हैं कि मौत साहब मौत, हालांकि जो नेक बंदे होते वो मौत का इंतजार करते, कफन को अपने घर में रखते, जमजम के पानी से कफन को धोया हुआ होता और हर वक्त मौत के लिए तैयार होते हैं, जब भी आ जाए अल्लाह की मुलाकात के लिए तैयार होते हैं। लेकिन आज कहीं मौत का बयान किया जाए या किसी घर में मयत हो जाए तो उसके घर का खाना भी पसंद नहीं करते, उसके घर में सोना भी पसंद नहीं करते। क्यों भाई? बोलो मौत आ गई, ले मौत तो मुझे भी आनी है, मुझे भी आनी है। और जब मौत का वक्त आ जाएगा, कुरान में है एक सेकंड आगे भी नहीं जाने देंगे और एक सेकंड पीछे भी नहीं जाने देंगे। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, हत्ता इदा जा अजलहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तकदिमून, जब तुम्हारी मौत का वक्त आ जाएगा एक सेकंड आगे भी नहीं जाने देंगे और एक सेकंड पीछे भी नहीं जाने देंगे। दुनिया में कोई बचा नहीं है और कोई बचेगा भी नहीं, सिर्फ कौन किसकी जात बचेगी बोलो भाई। कुल्लु मन अलैना फान, हर चीज को क्या होना है बोलो भाई, फना। कुल्लु मन अलैना फान वयबका वजहु रब्बिका दुल जलाल वल इकराम, वो एक ही जात है दुल जलाल वल इकराम है, उसकी जात ही बाकी रहने वाली है। फबी अय्यि आलाय रब्बिकुमा तुकल्लिबान, तुम तुम्हारे परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुतलाओगे, कौन कौन सी नेमत को झुतलाओगे। कि दुनिया नेमतों का घर है, लेकिन हदीस में आता है कि एक नेमत जो मिलती है मुझे और आपको, वो 99 मुसीबतों से गुजरना पड़ता है फिर वो नेमत मिलती है, फिर भी बोलो भाई मौत आने पर फानी खत्म, वो यही रह जाएगी जब लाज चलेगा बन जाना। शायर कहता है, तुम दुनिया पर इतराते थे, दुनिया की जिंदगियों पर मुतमईन हो गए थे। कुरान कहता है वतमानो बिहा, अपनी जिंदगियों पर तुम मुतमईन हो गए और इसी दुनिया पर तुम इतराते थे और इसी दुनिया में तुम एरिया मार कर चढ़ते हो जमीन में, याद रखो इसी जमीन के नीचे जाना है एक वक्त। 2020 मुझे और आपको पूरी जिंदगी मौत तक याद रहेगा। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि मौत तो आनी ही आनी है, लेकिन मौत से पहले पहले मौत की तैयारी कर लो, हर वक्त तैयार रहो। ए अल्लाह मैं गुनहगार से ही, लेकिन मुझसे ऐसे काम करवा ले जो तू राजी हो जाए और मैं तेरी मुलाकात के लिए आऊं तो तू मुझसे राजी हो जाए। कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना, ए इत्मीनान वाली रूह, ए मुसलमान की रूह, इरजिई इला रब्बिक, तेरे रब के पास चली जा, रादियतन मरदिया, तेरा रब तुझसे राजी हो, तू अल्लाह से राजी, रादियतन मरदिया, फदखुली फी इबादी, मेरे नेक लोगों के अंदर दाखिल हो जा, वदखुली जन्न और मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ, ये असल है। वरना दुनिया तो अल्लाह चलते फिरते को भी दे देता है, लेकिन ईमान
और नेक आमाल की तौफीक अल्लाह उसे ही देता है जिसे वो प्यार करता है, जिसे वो मोहब्बत करता है, जिसे वो इश्क करता है, जिसको अपना समझता है, उसी को घर में लेके आते हो ना, उसी को नाश्ता कराते हो, उसी को ही हम चाय का भाव पूछते हैं। अल्लाह भी मुझसे और आपसे प्यार करता है, इसलिए माँ के पेट से ईमान की दौलत दे दी। लो मुफ्त में तुम्हें बगैर मेहनत के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे रहा हूं, अब उसकी कदम कर। हाँ, ईमान को बचाते हुए हम दुनिया की जिंदगियों को निकालेंगे और गुजारेंगे तो मौत के वक्त अल्लाह ताला खुशहाली अता फरमाएगा। बाद लोग होते हैं मौत से पहले जोर जोर से हंसते हैं, हदीस में आता है। क्यों? कि जो पूरी दुनिया की जिंदगी रो रो कर अल्लाह के सामने निकाली, मौत के वक्त अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए इतने खुश होते हैं कि वो लोग भाई उनके चेहरे मुस्कुराते होते हैं। हदीस सही में मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान पर मरने की तीन निशानियां हैं। नंबर एक, उसकी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो जाए तो समझ लो ये ईमान पर मरा हुआ है। अब उसके जुबान से कलमा जारी ना हो तो फतवा ना लगाओ, कुछ एतराज मत करो, उंगलियां मत छीनो उसके ऊपर। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहली निशानी यह है कि उसकी जुबान से कलमा जारी हो जाए। अब कलमा जारी ना हो तो देखो वो उसकी पेशानी को देख लो, उसकी पेशानी पर पसीना आया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी ईमान पे मरने की निशानी है। मौत के बाद मुसलमानों पसीना भी ना आया फिर भी फतवा ना लगाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया न कलमा पढ़ा न पसीना आया पेशानी पर, फिर भी तुम कुछ उनके लिए कुछ खराब अल्फाज में निकालो, उसके चेहरे को देख लो, मौत के बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है। जो दुनिया में हंसता रहता था छोटी सी मुस्कुराहट देता था, मौत के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी ईमान पे मरने की निशानी है, ये भी ईमान पे मरने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरना सीख लो जीना आ जाएगा खुद ब खुद, खुद ब खुद आ जाएगा। आज हम जीना सीखते हैं लेकिन मरना नहीं सीखते। आज हमें मरने की जो सीखना आ जाए, मरने की हम तैयारियां कर ले कि भाई कल जाना है, इस फानी दुनिया को छोड़ना है और इस फानी दुनिया को छोड़कर हकीकी जन्नत में मुझे जाना है। हकीकी हमारा जो रब है, जो अना रब्बुकुमुल आला है, उसकी मुलाकात कर जाना है तो ये दुनिया हमारे सामने कुछ नहीं, कुछ नहीं। लोग करोड़ों की दौलत यहां छोड़कर चले जाए, इस सेकंड में अंदर चले जाते हैं। इसलिए कभी भी दुनिया पर इतराना नहीं चाहिए। बहुत देखा हमने, शायर क्या कहता है, बहुत देखा हमने जिसका मुजयन कफन था मुअत्तर बदन था। ऐसे कपड़े पहनते थे कि लोग अश अश करते थे कि यार कपड़े तो यही पहनता है, मुअत्तर बदन था, खुशबू भी ऐसी लगाते थे कि गली से गुजर जाते थे तो कहते हैं कि हाँ जोड़ियम तो उसने ही लगाया है, मुखल्लत तो वही लगा सकता है, ऊद यही लगा सकता है, तो खुशबू से पहचान लेते थे कि ये बंदा यहां से गुजरा है। बहुत देखा हमने, सुनो आगे शेर, बहुत देखा हमने जिसका मुजय्यन कफन था मुअत्तर बदन था, जब उनकी कब्रे गोहन खोदी, जब उनकी कब्रे गोहन खोदी, न तारे कफन था न उज़्वे बदन था। कुछ रहता है वो लोग है, सब मिट्टी में मिला देता है अल्लाह, सिर्फ एक रेत की हड्डी जो है ना
वो अल्लाह ताला कब्र में रखता है, और जब कयामत का दिन आएगा तो अल्लाह ताला उसी हड्डी में से पूरे इंसान को पैदा करेगा, उसी हड्डी में। और एक कब्र से 70 आदमी उठेंगे, 70। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अपने भाई पर कब्र पर मिट्टी डालो, अपनी भाई की मिट्टी बोलो भाई कब्र पर मिट्टी डालो, तो ये दुआ पढ़ो, मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है, वापस इसी मिट्टी में मिलाएंगे, और जब कयामत का दिन आएगा हम इसी मिट्टी को झाड़ते हुए इंसान को खड़ा कर देंगे। अब कहते हैं कि मौलाना आज तक कब्र खोदी नहीं, और कब्र खोदने के बाद इंसान का जिस्म तो कीड़े मकोड़े खा जाते, जमीन खा जाती है, फिर वापस अल्लाह ताला कैसे पैदा करेगा, कैसे पैदा करेगा, उसके लिए अलग मजमून है। मैं इंशाल्लाह आइंदा महीने अल्लाह ने जिंदगी बाकी रखी तो वही قال ابراہیم رب ارنی, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया कि अल्लाह को मुर्दों को वापस कैसे जिंदा करता है, अभी वक्त नहीं है, चालू करूंगा तो खत्म नहीं होगा, इसलिए अधूरी रह जाएगी बात, इसलिए नहीं, आइंदा महीने इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी बाकी रखी। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं वापस जिंदा करूंगा, और कैसे करूंगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी मैं भी अधूरा हूं और आप भी अधूरे हैं, क्योंकि मेरे और आपके माँ बाप ने मेरी और आपकी खतना करवाई, सुन्नत करवाई, वो डॉक्टर लोगों ने वो चमड़ी को काट कर कहां डाला है, बोलो उसका इल्म मेरे पास है, आपके पास है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कल कयामत के दिन अल्लाह ताला वो चमड़ी को भी कहेगा जिस बदन से कट कर आई है वहां जाकर जॉइंट हो जा, वो चमड़ी भी अल्लाह ताला इतनी छोटी सी चमड़ी को वापस जिंदा कर सकता है। क्या इंसान तुझे अल्लाह ने खिला पिला कर तुझे 6 फीट का किया तो क्या अल्लाह तुझे वापस जिंदा नहीं कर सकता है, वह अहवन अलैहि, क्या अल्लाह वापस जिंदा करने पर काबिल नहीं रखता है, कुदरत नहीं रखता है, बोलो भाई बेशक रखता है, वापस जिंदा करेगा। इसलिए अजीजों मेरे प्यारो हर वक्त मौत के लिए तैयार रहो, बोलो ना भाई जोर से इंशाअल्लाह, हाँ मौत के वक्त, ऐसा नहीं कि भाई मैं बुढ़ा होऊंगा 50-60 साल की उम्र होगी मस्जिद का कोना पकड़ूंगा कुरान पढ़ता रहूंगा फिर मेरी मौत आएगी, बोलो भाई होता था पहले सेंचुरी भी मारते थे, अब तो कोई 50 भी मारने में रहता है कि नहीं रहता है, पहले लोग सेंचुरी मारते थे अब तो बोलो भाई 50 भी नहीं, चलते चलते लोग मर जाते, खाते खाते लोग मर जाते, देखो नहीं आज पूरी दुनिया खोखली हो गई, खोखली, बड़े बड़े उलमा चले गए दुनिया से, कल परसों की बात कर रहा हूं आप मुसलमानों मानो मेरी बात सही, तो 5 बड़े बड़े उलमा शेखुल हदीस चले गए, अच्छे अच्छे उलमा, हम जैसे चाइना मोबाइल रह चुके हैं, बजाते रहो जब तक बजाते हो, अच्छे अच्छे ठोस उलमा चले, अब देखो कोरोना के अंदर कितने लोग चले गए, हमारे दोस्त खास यूसुफ भाई बैटरी वाला, यहाँ की बैटरी की दुकान है, मुझे तो पता भी नहीं, जब मैंने यूसुफ भाई को फोन किया तो उनके लड़के ने फोन उठाया, मैंने कहा अब्बू कहाँ है, बोले घर सब चले गए, मैं तो अल्लाह पर कैसे, पर कोरोना में इंतकाल, अब देखो याद रखो जो वबा चलती हो जो बीमारी चलती हो ये आम हो गई हो और उसमें मर जाए वो क्या है, बोलो भाई शहीद है, शहीद है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो मैंने एक बहुत बड़े आलिम से सुना है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, कोई हवाला मांगेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने सुना है मेरे बड़ों से बहुत बड़े आलिम है कि इस खौफ में जो जीने वाले हैं कोरोना बीमारी के अंदर जितने लोग चले गए वो तो बोलो भाई शहीद हो गए, अब उस खौफ में जो जी रहे हैं चाहे उसकी मौत कोरोना में ना आए लेकिन उस बीमारी का खौफ दिल में है फिर कभी भी वो दुनिया से चला जाए वो भी बोलो भाई शहीद में ही गिनाया जाएगा।
देखो अल्लाह बहाने ढूंढता है अपने बंदों को माफ करने के। इसलिए अजीजों मेरे प्यारो, मौत के वक्त बोलो इंशाल्लाह, मौत तो आनी आनी है लेकिन हर वक्त तैयार रहेंगे, बोलो इंशाल्लाह। मौत डरने की चीज नहीं है, मौत तो अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। मकोला है अरबी का, अल मौत जसर युसिलुल हबीब इलल हबीब। आज कोई आशिक और माशूक हो और उसको कह दे कि मैं सूरत के स्टेशन पर मैं इतने बजे मिलने आने वाली हूँ, तो बताओ 10 बजे कहेगी तो वो 9 बजे पहुंच जाएगा, पहुंचेगा कि नहीं? क्यों? मुझे मेरे माशूक ने बुलाया है, मुझ प्यार करने वाले ने, मुझसे मोहब्बत करने वाले ने मुझे बुलाया है। ऐसा ना हो कि वो मुझसे पहले आकर खड़ी हो जाए और मैं बाद में जाऊं तो मुझे सर झुकाना पड़े। और मुझे और आपको तो पता ही है कि मौत आने वाली है और मौत महबूब चीज है। क्या है बोलो भाई? अच्छी चीज है, महबूब चीज है कि मेरे अल्लाह से मुझे मुलाकात कराने वाली है। तो बोलो भाई, उसका इंतजार मैं करूंगा या मौत करेगी? मैंने गुज़िश्ता जुमा अंकलेश्वर में वाकिया बयान किया था इमाम गज़ाली का, अचानक मेरे ज़हन में अभी आया तो बता देता हूं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने इस पर एक वाकिया लिखा है, अचानक मेरे ज़हन में अल्लाह ताला ने डाला तो बता दे रहा हूं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने लिखा कि एक बंदा जा रहा था, सुनना बहुत बहुत इबरत का वाकिया है, अचानक अल्लाह ने याद दिलाया। एक बंदा जा रहा था, इतने में जाते जाते उसने पीछे मुड़ के देखा तो शेर बबर उसके पीछे पीछे आ रहा है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने हयाउल उलूम में ये मिसाल लिखी है। अब उसने देखा कि पीछे शेर है, वो भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, लेकिन चटियल मैदान है, कहीं बोलो भाई छुपने की जगह नहीं है। अब उसने उसने देखा कि कुआं है, अब कुएं के मुंह पे खड़ा रहा और उसने इरादा किया कि मैं कुएं में कूद जाऊं तो मैं शेर से बोलो नहीं जोर से बच जाऊं। तो उसने जब कुएं के अंदर झांका तो वहां बोलो भाई नाग बैठा हुआ है। कौन? बोलो जोर से। सांप, नाग, अजगर बैठा हुआ है, पीछे शेर, अंदर नाग, सांप। अब क्या करूं? वहां जावे तो भी मौत, नीचे जावे तो भी मौत, जाऊं कहां? अब उसने देखा कि कुएं के चारों तरफ छोटे छोटे घास लगे होते, आपने देखे होंगे घास लगे होते, पौधे लगे हुए होते हैं। उसने कहा कि चलो भाई उससे भी बच जाऊं, इससे भी बच जाऊं, पौधों को पकड़कर कुएं के अंदर लटक जाऊं, ना अजदहा के पास जाऊं ना शेर के पास जाऊं। उसने पौधे को पकड़ा, झाड़ियों को पकड़ा, घास को पकड़ कर लटक गया, लटक गया। अब उसने थोड़ा ध्यान से देखा कि दो चूहे हैं, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा, वो दरक को काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोलो जोर से? दरक को काट रहे हैं। अब बोलो, ऊपर भी मौत, नीचे भी मौत। अब ये दो चूहे हैं, अब दरख को काट रहे हैं, दरख को काट रहे हैं। जब उनका काम खत्म हो जाएगा तो जाऊंगा कहां बोलो भाई? बीच में भी मौत, बीच में भी मौत। अब क्या करो? इतने में उसने एक शहद का गुच्छा देखा, एक मधपुड़ो, जो मधपुड़ो गुजराती में नहीं किया, शहद का छट्टा देखा उसने, तो शहद के छट्टे में से शहद टपक रहा था, टप 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 टपक रहा था। उसने एक हाथ से अपने दरख्त को पकड़ा और एक हाथ से उंगली मार दी कि हाँ वो पक्का मत हो गया, पक्का हो गया। उसने उंगली को अंदर डाला और मुंह में लिया तो क्या हुआ बोलो भाई? उसको मजा आया तो वापस चाट रहा है। अब बोलो, दोनों चूहे को भी भूल गया, ऊपर शेर को भी भूल गया, नीचे नाग को भी भूल गया। अब वो बोलो शहद चाटने में मशगूल, जैसे मेरी और आपकी मिसाल, दुनिया में मशगूल हो गए, मौत को भी भूल गए, कब्र को भी भूल गए, रात दिन चल रहा है वो भी बोलो भाई, जिंदगी की कम हो रहे वो भी भूल गए, हाय दुनिया, हाय दुनिया, हाय दुनिया कर। अब क्या हुआ? जब दुनिया उसने के अंदर मजबूर हो गया, शहद चाटने में मजबूर हो गया, तो मौत क्या हो गया बोलो भाई? वो भूल गया। वहां इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि देखो ऊपर जो शेर है ना, वो मलिकुल मौत है, जो मेरे और आपके सर से बोलो भाई खड़ा दौड़ रहा है, रोजाना रोजाना आ रहा है,
जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वो लोग मौत के लिए इतने करीब हो रहे हैं। मैं 35 साल का हुआ तो मैं बड़ा नहीं हुआ, मैं मौत से इतना करीब हो गया ना, अब मेरी मौत कब आएगी वो तो अल्लाह हुआ ना, अल्लाह को पता। लेकिन मैं मौत से इतने दिन करीब हो गया, मैं 33 साल का हुआ, अब शायद मैं 30 साल जिंदा रहूं या ना रहूं वो अल्लाह के हाथ, एक दिन जिंदा रहूं या ना रहूं मेरे अल्लाह के हाथ में। मौत किसी को पता होती तो अच्छा होता ना, मुसल्ला बिछा कर मस्जिद में बैठ जाता, कुरान शरीफ पढ़ता, सजदे में गिर जाता कि अब मेरी मौत हो जाए। लेकिन मौत का इल्म अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते वो शेर जो तुम्हारे सर पर खड़ा है ना वो क्या है, बोलो भाई, मौत जो मेरे और आपके मलिकुल मौत पीछे भागता रहता है, भागता रहता है। और याद रखो हदीस में आता है कि 21 से ज्यादा मरतबा मलिकुल मौत अब मेरा और आपका दीदार करता है रोजाना, कि देखो इसका नंबर तो दिया है ना, कहीं हमारे घर का चक्कर लगाता है वो रोजाना, कितने चक्कर हमारे घर के लगाता है मलिकुल मौत कि भाई इसका वक्त तो कहीं आ नहीं गया। उस पर एक हदीस याद आ गई, सुनाओ ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और कुछ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन भी बैठे हुए थे। इतने में मलिकुल मौत आए, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और जवाब देने के बाद कहा मलिकुल मौत क्या बात, इसमें से किसी का वक्त आ गया? ना अल्लाह के रसूल, ने किसी का वक्त नहीं आया, मैं दुनिया फिर फिर कर थक गया, बस आपका चेहरे मुबारक को देखने के लिए आया कि थोड़ा मुझे सुकून मिल गया। ऐसे बहुत सारे वाकयात जहन में आ रहे हैं लेकिन मैं बात करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अजीजों मेरे प्यारो, मलिकुल मौत जो शेर की शक्ल में हमारे सरों पर खड़ा और नीचे अजदहा जो है मेरी और आपकी कब्र है, क्या है जोर से बोलो, कब्र, आलम बरज़ख है। और दो चूहे जो है ना, दो चूहे, एक सफेद और एक काला, और रात दिन है, रात दिन हम काट रहे हैं, रात दिन काट रहे हैं, काट रहे हैं, काट रहे हैं, काट रहे हैं। और जो शहद का जो छट्टा है वो बोलो भाई, मीठी दुनिया, मीठी إن الدنيا حلوة خصبة وإن الله مستخلفكم فيها فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء। الدنيا एक औरत के मानी है, हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये औरत के मानी है, जैसे औरत बन ठन कर जब बाहर निकलती है तो जमीन पर पांव नहीं मारती, वो सामने वाले आने वाले मर्द के सीने पर पांव रखती है, उसकी तरफ खींचती है। इसी तरह ये दुनिया है, दुनिया में मैं और आप चाहते न थे फिर भी दुनिया में आ गए, और जब जाएंगे मैं नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं, आप भी नहीं चाहते कि हम चले जाए, मेरे चाहने न चाहने से कोई मतलब नहीं, जब अल्लाह चाहेगा तो बोलो भाई बुला लेगा, न पूछ के भेजा है न पूछ के बुलाएगा, न पूछ के भेजा है कि तुमको दुनिया में भेज रहा हूं, मैंने और आपने कहा कि ठीक है अल्लाह भेज दो, अब जब जाएंगे तो पूछ कर कहेंगे चलो तो आना चाहते हो, बुला पूछे नहीं बोलो भाई, कोई नहीं कहेगा कि हाँ मैं आ रहा हूँ, अल्लाह अठवाड़ियों आपने अठवाड़ियों खा ली, बदाने नामा अमाल में बदली करी दें, आप घर ने लखी दें, दुकान ने लखी दें, ये इसको दे देता हूँ, ये इसको दे देता हूँ, फिर सब मामला साफ हो जाए फिर मैं चला जाऊँ। इसलिए कुरान की तफसीरों में यस अलूनक अनि रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बिहिम के अंदर लिखा है, कुरान की तफसीरों में कि अल्लाह ताला रूह की जानकारी, रूह की नॉलेज किसको दे देता ना, तो बादशाह लोग सबसे पहले फुटपाथ पर सोने वाले जो फकीर होते हैं ना उनके अंदर से रूह को निकाल निकाल कर अपने अंदर डालते और कभी सीट ना छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। तो अजीजों मेरे प्यारा, दुनिया बोलो ना भाई, दुनिया किसी से मोहब्बत करती नहीं है, हम दुनिया से मोहब्बत करते, दुनिया बेवफा है, कुरान ने कह दिया दुनिया बेवफा है,
दुनिया किसी के साथ आएगी नहीं, और बोलो भाई किसी का साथ देगी भी नहीं। हमको उसका साथ देना है, सबका साथ सबका विकास। वो क्या है बोलो भाई? अल्लाह। कौन है बोलो जोर से? हमें साथ देने वाला कौन है? रात और दिन हमें कौन खिलाता है? रात और दिन कौन पिलाता है? रात की नींद कौन सुलाता है? सुबह कौन उठाता है? गरम गरम चाय कौन पिलाता है? وَإِنَّكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا فَوْفِي وَدَدِ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ। जब तुम दूध का ग्लास उठाते हो तो उसको देख तो लो कि ये दूध आया कहाँ से है, और उसको तुम पीते हो तुम्हारे पेट की भूख भी मिटाती है, तुम्हारी प्यास भी मिटाती है। लबनन खालिसा साइगल लिशारिबीन। वो दूध पिलाने वाला कौन है? तुम्हें लिबास पहनाने वाला कौन है? तुम्हारे गुनाह को छुपाने वाला कौन है? तुम्हें जिंदगी देने वाला कौन है? तुम्हें रोजी देने वाला कौन है? बोलो सब मिलकर बोलो भाई अल्लाह। आज अल्लाह रात की नींद मुझसे और आपसे छीन लेता, वजानना नो मकुम सुबाता, हमने रात को तुम्हारे लिए आराम की चीज बनाई। अगर रात की नींद अल्लाह ताला नींद छीन लेता, तुम सुबह सही से काम भी नहीं कर पाते ना। कहते कि आज रात नींद नहीं आई है, बहुत सर में दर्द है, आज तो समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह कहता है मेरे तो जो सुलाने वाला है, जो उठाने वाला है, उसका साथ दो। बोलो भाई उसमें अल्लाह का फायदा नहीं है, उसमें किसका फायदा है? मेरा फायदा। हम दुनिया के हुक्मरान को साथ देंगे, हो सकता है वो काले धोले कर दे रहे, उनका साथ सबका विकास हो, उनका विकास, पब्लिक का विकास तो नहीं, उनका विकास हो सकता है, लेकिन हम अल्लाह का साथ दे, अल्लाह का साथ दे तो मुसलमानों यकीनन मैं 100% कहता हूं हम सबका विकास हो जाएगा इंशाल्लाह। दुनिया में भी विकास, मरने के बाद भी, कब्र में भी विकास, कयामत के दिन खड़े होने के बाद अल्लाह कह रहे ये मेरे नेक बंदे हैं, ये भी वहां भी विकास, जन्नत में जाने के बाद भी कहेंगे बोलो भाई यहां भी विकास तुम्हारा। जन्नत, जन्नत खोलूं तो असल की अजान यही हो जाए, जुमा तुम्हारी चली जाए। अजीजो मेरे, मैं एक जगह जन्नत बयान कर रहा था, सुनो, एक जगह जन्नत ने बयान कर रहा था, एक हदीस बयान कर रहा, जन्नत बयान, अहिया सूरत के करीब एक गांव है, मैं नाम ले लूंगा, तो मैंने जन्नत 1.5 घंटे तक जन्नत को खोला, कि जुमा में इतना वक्त नहीं होता है, जब हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है तब तो कहते हैं बस उतर जाओ, जब हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है तो फिर क्या हो जाता है, वक्त खत्म हो गया अब उतर जाओ। 1/2 घंटे में सिर्फ हमारा इंजिन गर्म होता है, जब इंजन गर्म होता है तो फिर जाके बोलो भाई आगे चलकर सफर होता है। तो या तो इंजन ही गर्म नहीं होने देते, इससे पहले के उतर जाओ, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। एक जगह जन्नत बयान कर, जुमा का मामला यही है। और याद रखो लोग भी इतने शरीफ है कि जुमा के दिन नहीं सुनते हैं, रात को नहीं सुनते, रात को बयान रखे तो कि मौसम टाइम नहीं, अपने पास टाइम नहीं, टाइम नहीं। जुमा तो एक नमाज के बहाने लोग आ जाते हैं, और दीन की बात इसी बहाने में हम सुना देते हैं। सबसे बड़ी मीडिया जो हमारी है वो जुमा, इसलिए कहा जाता है कि सबसे दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े मामले जो अभी चल रहे हैं अभी जुमा के दिन सुनाने चाहिए उम्मत को, क्यों उम्मत जुमा के दिन ही जुड़ती है, और जुमा में जुड़कर जब दुनिया के हालात और कुरान और हदीस इस मौके के मुनासिबत से जब उम्मत को दुनिया के हालात बतलाएंगे तो उनको आगाह होगा कि अच्छा दुनिया में ऐसा चल रहा है। ये हमारी दूसरी जो सब चैनल है और सब मीडिया झूठी है, एक ही बोलो मिंबरे रसूल सच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मिंबरे रसूल से आपको जब सुनाई जाए उसको कलेजे से बांध लो, अपने दिल के अंदर बांध लो कि भाई ये सच्ची चीज है, ये सच्ची चीज। तो अजीजों मेरे प्यारो, मैं क्या कह रहा था याद है किसी को? हाँ जन्नत, मैं भी भूल गया जन्नत को। लो मैं एक जगह जन्नत बयान कर रहा था, 1.5 घंटे तक मैंने जन्नत को बयान किया, उसमें से मैंने ये हदीस को अधूरी छोड़ दी कि जब जन्नत में जाएंगे तो आदमी जब अपनी बीवी को देखेगा, बीवी तो बाद में आएगा नंबर, पहले जन्नत की हूर को देखेगा, जन्नत की हूर 70 साल तक यूं करके देखता रहेगा, पलक झपक भी नहीं होगी उसकी, पलक झपक
70 साल तक यूं दिखता ही रहेगा, दिखता ही रहेगा, दिखता ही रहेगा, दिखता ही रहेगा। फिर दूसरी जन्नत की हूर आएगी, वो कंधे पर हाथ मारेगी, बोले मेरे पास कब आओगे? तो इतना फास्ट घूमेगा कि दुनिया का कोई मशीन भी इतना फास्ट नहीं घूमता होगा, वो इतना फास्ट घूमता। ऐसे दर्जात अल्लाह खोलता जाएगा, आखिरी जो गेट खुलेगा उसमें मेरे और आपकी दुनिया की बीवी होगी। क्या होगी वो लोग? मेरे और आपकी बीवी वो जन्नत की हूरों से 70 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी, और जन्नत की हूरों की सरदार होगी। वो कहेगा यार यहाँ भी कचकच, ऊपर भी कचकच, क्या होगा? वो मामला नहीं होगा वहां लड़ाई झगड़ा और सब कुछ नहीं होगा, वहां चैन और सुकून इत्मीनान होगा। तो बस ये हदीस मैंने बयान की कि 70 साल तक देखता रहेगा, देखता रहेगा। एक 75 साल का बुढ़ा आया, कैसा खाली जुआ में जो रह गया, अगाड़ी भी कैसा है? मैंने कहा सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ अल्लाह की बोलो भाई, मान कर जिंदगी गुजारो। वहां तो आप दिल में सोचोगे वो चीज खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी, खुद ब खुद सिर्फ दिल में सोचोगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए। इसलिए जन्नत के अंदर एक बाजार है जो मॉडल का बाजार है, मॉडल जिस मॉडल आपको पसंद आएगा, बस आपको खरीदना नहीं है, वहां से ये मॉडल पसंद आया वो मॉडल आपके ऊपर फौरन फिट हो जाएगा, आपका मॉडल ऐसा हो जाएगा। पूरे अलग अलग मनाजिर है। जन्नत को खोलो, मैं आपको एक किताब का हवाला देता हूँ, शमाइल तिर्मिजी, इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह अलैह ने शमाइल तिर्मिजी लिखी है, उसमें जन्नत खोली है। अल्लाह अल्लाह, जन्नत क्या है? कभी इंशाल्लाह उस पर ही बयान करेंगे, बोलो इंशाल्लाह। लेकिन 2-3 महीने तक चलाना पड़े उसको, तो मुझे 1 महीने के बाद तुम बुलाते हो। अब 1 महीने के अभी जन्नत बयान करूँ और आइंदा महीने में दूसरी पहली जुमा आऊँ, दूसरी जुमा, तो ये पहली जन्नत तुम भूल जाओगे, फिर आगे की जन्नत खुलेगी। ये चीज है, जब तक उसके साथ लगाव ना हो, जब तक उसके साथ प्यार ना हो, जब तक हमें दीन के साथ इश्क और मोहब्बत ना हो, वहां तक वो चीज़ बोलो भाई महफूज नहीं रहेगी। तो अजीज़ो मेरे प्यारो, मौत को बोलो हमेशा के लिए हम याद करेंगे, बोलो। मौत को मांगना नहीं है, मौत को मांगना गुनाह हराम है, लेकिन मौत को याद करना सवाब है। क्या है बोलो? हर नमाज के बाद कोई आदमी 5 मरतबा अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फी मा बाद अल मौत 5 मरतबा पढ़ ले, 5 नमाजों में 25 मरतबा हो गया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नमाज के बाद वो 5 मरतबा अपनी मौत को याद करता है, चाहे उसकी कोई भी हालत में मौत आए, अल्लाह उसको शहादत का मौत कर, शहादत की मौत देगा। तो याद करोगे बोलो भाई? मांगना नहीं है, मैं वापस कह रहा हूं, मांगना अल्लाह तुमने ले ले, अल्लाह तुमने ले ले, आका मैंने फंसा भी दी दो, ये हराम है, ये हराम है, गुना है। लेकिन मौत को याद करना, ये क्या है बोलो भाई? करोगे बोलो इंशाल्लाह? मौत के लिए तैयार रहेंगे, जब भी आ जाए हम अल्लाह की मुलाकात के लिए बोलो भाई तैयार। अल्लाह की मुलाकात करना हो तो मौत से बोलो गुजरना पड़ेगा, यहां से अंकलेश्वर जाना हो तो तापी नदी पार करना पड़ेगा। इसी तरह अल्लाह से मुलाकात करना हो, अल मौत जसरुन युसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत और अल्लाह के दरमियान में पुल है, वो क्या है बोलो भाई? मौत। जिंदगी और अल्लाह के दरमियान एक पुल है, वो क्या है बोलो भाई? मौत है। मौत से गुजरोगे अल्लाह से पार लोगे इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। अल्लाह पाक जितनी भी बातें कही अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिर दुआवाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़ना है।